क्या पिकअप है भाई, 26 पीएस पावर तो यहाँ पे दिखने वाली है। एनएस काफी पीछे हो चुकी है और मैं आगे निकल चुका हूँ काफी, राहुल मेरे बहुत पीछे है, लगा हुआ है भाई एनएस बीएस 4 है। और ये देखो सीधी बगल में, क्या बात है, क्या बात है भाई, एकदम अगल बगल, वाओ भाई, 300 सीसी वर्सेस 200, देखो भाई क्या डिफरेंस आ रहा है, दोनों के दोनों नेकेड स्पोर्ट है। और उसके बाद भी देखो भाई, ये होती है पावर एक पल्सर की, पल्सर है ना, समझ सकते हो, 144 जा चुकी है ऑलरेडी ये एनएस, ये रही बगल में लगी हुई है बिल्कुल। लौंडा ये भी हल्का है, समझ रहे हो ना, तो ये भी हल्का है, मैं भी हल्का हूँ, तो यहाँ तो बाइक भाई बहुत भागने वाली है भैया, ताबड़तोड़ भाई हेड टू हेड होने वाला है यहाँ पर 300 की, जिसको आप सभी लोग जानते ही होंगे भाई। और ऐसे ही नहीं पल्सर की फेमस है 148, आगे निकल रही है, आगे निकल रही है, थोड़ा सा विंडास को करते हैं, और ये लिमिटर आ रहा है इसमें, तो इसमें लिमिटर आ रहा है, ऐसा क्यों, इसी कैटेगरी को भाई 200 कैटेगरी बजाज जो है टक्कर दे रही है, और 145 जा चुके हैं हम, 145, 46, 47, 48, 49, 49, एनएस कहाँ गई, एनएस है पीछे, जबकि ये कार्बोरेटर वाली बाइक है, इट मीन्स की बी एस 4 बिल्कुल बगल में चल रहा हूँ मैं। क्यों नहीं जा रही है, जबकि से थोड़ा सा मौका भी नहीं दूंगा मैं, फिर अगर मौका दे दिया तो मैं आगे निकल नहीं पाऊंगा, ये तो मुझे पता है, एनएस लगी हुई है बिल्कुल पीछे मेरे, और देखते हैं कि ये कितना भाई जो है करने वाली है, लगी है बिल्कुल, चिपका के रखा हुआ है लौंडे ने, बिल्कुल बगल में चिपका के रखा है, एनएस को तो जाना चाहिए, और जस्ट पीछे हूँ भाई, महंगे जस्ट पीछे, ज्यादा गैप तो नहीं है, भाई मुझे नहीं लगता कि मुझे पकड़ सकते हैं, क्योंकि सॉरी मैं इनको पकड़ सकता हूँ, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा गैप तो नहीं है, बट यहाँ पे लिमिटर खा रही है ये 149 पे। आ गया, ये रहा मिरर में देख सकते हो आप, ये पीछे लगा हुआ है, और लेकिन है ना 200 मुझे नहीं लगता है कैपेबल होने वाली है यहाँ पर इसको हराने के लिए, और देख सकते हो पीछे लगा तो हुआ है, उसके ऊपर जाने का नाम नहीं ले रही है भाई, हो गया भाई, हो गया, हो गया, हो गया एनएस 200 का, बहुत ज्यादा लॉन्ग बैटल हो गया है, बट इतना लॉन्ग लगा है पीछे भाई, लेकिन मुझे उम्मीद तो ज्यादा नहीं है, देखते हैं फिर भी क्या हो सकता है यहाँ पर, है ना काफी पीछे है, हाँ करने का कोई फायदा भी नहीं है भाई, रोकते हैं और रोकते हैं भाई को और एंड करते हैं इस ब्लॉक को, नहीं रोके और एंड करते हैं भाई, हाईवे खत्म हो जाएगा लेकिन ट्रैक नहीं खत्म होगी, रोक ले